हाय गाइस, मेरा नाम है शाजिब और आप देख रहे हैं टेक्निकल शाजिब। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि आप भी एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें, या फिर आपने अगर यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, या फिर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में तक एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें और एक यूट्यूबर बने और वहाँ से आप पैसे अर्न करें यूट्यूब से। तो फ्रेंड्स, आपको जो ना ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट टिप जो है वो यही है कि आप अपना इंटरेस्ट देखें। अगर आप यूट्यूब चैनल जो है ना क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आपने क्रिएट किया हुआ है, किसी और यूट्यूबर को देख के आपने जो है ना अपना चैनल इंटरेस्ट में, मतलब कि आपने किसी और को देख के अपना चैनल नहीं क्रिएट करना है, आपने अपने आप में देखना है कि आप में आपके अंदर जो है ना किस तरह का इंटरेस्ट है और आप किस तरीके के वीडियोज़ बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सही सुना आपने। आपने अपने अंदर जो है ना इंटरेस्ट देखना है। ऐसे नहीं है कि आपने देखना है कि उस बंदे ने बताया कि मेरी यूट्यूब के एक महीने की पेमेंट इतनी है, मेरा इस कैटोग्राफी के रिलेटेड चैनल है। तो ऐसा नहीं करना कि आपने भी उठा के वही कैटोग्राफी जो है क्रिएट कर लेनी और फिर आप कहेंगे मेरी भी अच्छी खासी अर्निंग होगी। नहीं फ्रेंड्स, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने अंदर इंटरेस्ट देखना है। किसी और के इंटरेस्ट को देखने ना आपने अपनी वीडियो नहीं बनानी। सबसे पहले आपने अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कैटोग्राफी है जिस कैटोग्राफी में आप इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो टेक के रिलेटेड चैनल बनाएं, अगर आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुक के रिलेटेड चैनल बनाएं, और अगर आप जो है ना कॉमेडी में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको कॉमेडी करना अच्छी है, आपको जो है कॉमेडी करना आती है, आप खुद तो नहीं हो सकते लेकिन दूसरों को हंसा सकते हैं, तो प्लीज़ आप कॉमेडी चैनल बनाएं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं जिस चीज़ में और उसी चीज़ के रिलेटेड आप जो है चैनल क्रिएट करते हैं, तो इससे दो बिल्कुल मतलब कि दो जो है ना बड़े से बड़े फ़ायदे होंगे। नंबर फर्स्ट जो है कि आप यूट्यूब से अच्छे पैसे भी अर्न करेंगे, और जो है ना आपको यूट्यूब से पैसे अर्न करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे खासे पैसे अर्न करेंगे। तो हो सकता है कि आप उस जिस यूट्यूबर ने आपको बताया कि मेरे एक महीने की पेमेंट इतनी, आप उस यूट्यूबर से अच्छा अर्न कर लें, क्योंकि आपने अपनी कैटोग्राफी में इंटरेस्ट देखना है। जिस कैटोग्राफी आप आपके इंटरेस्टिंग है, आपने उसमें जो है ना चैनल क्रिएट करना है। और दूसरा उसमें जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपको आप जब वीडियो वगैरह उस कैटोग्राफी के रिलेटेड बनाएंगे, तो उसके जो उस वीडियो में ना आपको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा आपको वीडियो वगैरह क्रिएट करने में। वरना नहीं तो आपने कोई और कैटोग्राफी उठा के वीडियो बना लिया तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। दो तीन दिन आप जो है वीडियो क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रेंड, यही मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले आपने अपनी कैटोग्राफी सेलेक्ट कर ली। तो गाइज, नंबर सेकंड टिप जो है यूट्यूब पे ग्रो करने के, मतलब यूट्यूब चैनल बनाने से पहले आपने जो सेकंड टिप जो सेकंड बात है आपने जान लेनी है, वो ये है कि टॉपिक्स। जी हाँ फ्रेंड, आपने कोई कैटोग्राफी तो सेलेक्ट कर ली, उस कैटोग्राफी के बारे में आपने जो है ना बहुत ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है उस कैटोग्राफी में, और आप उस कैटोग्राफी के लिहाज से आप जो है चैनल बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ये सब आपने अपने माइंड में सोच लिया। लेकिन उस कैटोग्राफी के बारे में आपके पास टॉपिक्स होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी आप कैटोग्राफी सेलेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड उस कैटोग्राफी के बारे में आपके पास कम से कम 50 टॉपिक्स तो होना लाजमी है। अगर 50 टॉपिक्स नहीं हो सकते तो 20 टॉपिक्स तो होना आपके पास लाजमी है। ये जो 20 टॉपिक्स हैं आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके चैनल का एक नीच होगी, एक बेस होगी, जो आपके चैनल को बनाएगी, आगे लेकर जाएंगी, ग्रो अप करेंगी। तो सबसे पहले आपने जो है ना कम से कम 20 टॉपिक्स तो आपके जहन में लाजमी होने चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद जिस टॉपिक के बारे में आप जो ना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो जिस टॉपिक का आप वीडियो बना रहे हैं, तो उसके रिलेटेड 3 टॉपिक्स आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है ना आपने बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल रखना है टॉपिक्स का। अगर आपके पास टॉपिक्स नहीं होगी तो आपका यूट्यूब चैनल जो है ना ग्रोप नहीं करेगा, और ग्रोप नहीं करेगा तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगी, अगर मोनेटाइजेशन ऑन होगी नहीं होगी तो आपकी जो है अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो आप जो है ना यूट्यूब से हाथ धो बैठेंगे, मतलब कि बिल्कुल आप यूट्यूब से गप कर लेंगे, और आप चीज़ें कहेंगे कि यूट्यूब पर कोई कमाई नहीं है, फिर आप जो है यूट्यूब को छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना, आपके पास उस कैटोग्राफी को लिया कैटोग्राफी के बारे में 20 टॉपिक्स तो कम से कम होना लाजमी है। उसके बाद जिस टॉपिक पे आज चैनल मतलब कि आप जो ने वीडियो अपलोड करें, उसके बाद आपके उसके टॉपिक्स के रिलेटेड आपके पास 3 और टॉपिक्स होना लाजमी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बात पे आपने ध्यान देना है, बहुत ही खास बात है, आपने टॉपिक्स जो है ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। थर्ड टिप जो है फ्रेंड्स आपके लिए वो ये है कि आप जो है ना यूट्यूब के साथ एक रिलेशनशिप बनाए, यूट्यूब में एक कॉन्सेप्ट बेस के साथ आप डेली वीडियोस अपलोड करें। जी हाँ फ्रेंड, बहुत से न्यू यूट्यूबर ऐसा करते हैं, 5-6 वीडियोस अपलोड करते हैं, व्यूज नहीं मिले तो जो है वो वीडियो अपलोड करना छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना, बेशक ऐसा करने से जो व्यूज़ वगैरह नहीं मिलते हमें, तो हमारा जो
कॉन्फिडेंस है वो डिमोनेटाइज होता है। लेकिन फ्रेंड ऐसा आपने कभी नहीं करना, आपने अपने अंदर एक मोटिवेशन करना है, एक अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है और एक पॉजिटिव सोच रखनी है अपने अंदर कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, हर कोई यूट्यूबर्स यूट्यूब पे कामयाब हो सकता है, लेकिन आपने जो है उस यूट्यूब के साथ सिर्फ रिलेशन बनाए। कैसा रिलेशन बनाया जाए कि आपने डेली वीडियो अपलोड करनी है। अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो डेली वीडियो अपलोड करें, बेशक आपको वीडियोस पे व्यूज़ ना मिले लेकिन फिर भी आपने डेली वीडियो अपलोड करनी। और अगर आप वीकली दो तीन वीडियो अपलोड करें तो आपने वीकली में दो तीन वीडियोस अपलोड करनी है और लाजमी वीडियो अपलोड करनी। वीडियो अपलोड करने से ये होगा कि यूट्यूबर आपकी मेहनत देगा, यूट्यूब जो है आपकी मेहनत देखे, मेहनत देखते देखते आप कोई ना कोई वीडियो वायरल कर देगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 50 में से एक वीडियो आपकी ज़रूर वायरल होगी। तो फ्रेंड्स यूट्यूब के साथ एक कॉन्सेप्ट बेस्ट बनाए रखें। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल जो है ना हमारा टेक के रिलेटेड चैनल है। आपको टेक के बारे में इस चैनल से पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच सके और आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही देखते ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।